बीजेपी सरकार के एक महीने की कार्यपद्धति को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि सरकार के पास सूझबूझ की कमी है। बीजेपी सरकार एक महीने के अंदर 3 अध्यादेश लेकर आई और तीनों अध्यादेश वापस ले लिए। कांग्रेस ने राज्यपाल से गुहार लगाते हुए सरकार से स्पष्टीकरण देने की मांग की है। बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता का माहौल बन गया है। सरकार इतनी हड़बड़ी में है कि अपने ही आदेश का वापस ले रही है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पंचायत चुनाव और ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश का हवाला देते हुए बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। भूपेंद्र गुप्ता ने दावा किया है कि कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया था। बीजेपी सरकार उसी अध्यादेश को लागू कर रही है। बड़ी हैरानी होती है, 7 दिन से मैराथन बैठकें चल रही हैं। इन मैराथन बैठकों में होता क्या है? मध्य प्रदेश की पूरे डिलीवरी सिस्टम को चौपट कर दिया गया है। आप देखें कि पिछले एक महीने का अगर कार्यकाल का हिसाब लगाया जाए तो मुख्यमंत्री ने अध्यादेश निकाला चुनाव को लेकर, उस अध्यादेश को वापस लेना पड़ा। दूसरा अध्यादेश निकाला, उस अध्यादेश में संशोधन करना पड़ा। इसके बाद जो है सरकार ने फैसला ले लिया जो आरक्षण को लेकर, उसमें जो है वही अध्यादेश स्वीकार करना पड़ा जो कमलनाथ जी ने जारी किया था और उसी तारीख से स्वीकार करना पड़ा। अब जो है मध्य प्रदेश सरकार ने मैराथन बैठकों में बैठकर मंथन करके पंचायत के सचिव और उनको जो है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया और उनको जो है वित्तीय अधिकार दे दिए, एक दिन बाद वो भी वापस लेना पड़ा। ये कार्यशैली किसी सरकार की? 24 घंटे एक आप अपने जो है निर्णय पर स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, आपको उसकी जो है लीगेलिटी पता चल रही हो रहा।